निकल रहे हैं अभी, किचन के लिए निकल रहे हैं अभी। कार कार में बैठे हैं, लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ गए, 6 बजे है बस अभी। सुना है 4-5 घंटे लगेगा उधर भी जाने में। अभी आगे आगे दिखाते हैं। बहुत ही ज्यादा ठंड है, बोलते हैं कुदरत का करिश्मा। हाँ, ये बर्फ है, बहुत ही ज्यादा ठंड है। कुल्फी जम गई है। नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ठंड इतना है मैं बात नहीं कर पा रहा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और इधर लाइट कम है। हम इधर रुके हैं थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचने के लिए, सोचा थोड़ा वीडियो भी बना लेता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ठंड है और अभी बजे है 7:16। इधर देखो नजारा। यहाँ हमारे ड्राइवर भैया है। अच्छा, अभी हम लोग जाएंगे काला पत्थर चपटा वैली। हाँ। उसके बाद में गुरुदुम्बा हम लोग जाएंगे, हाई जो वर्ल्ड का सेकेंड हाई एल्टीट्यूड में 7 किलोमीटर सराउंडिंग बिगेस्ट लेक है और उसका हाइट अभी न्यू हाइट है 18,750 फुट। उसमें हम लोग अभी घूमने जा रहा है। अभी कितना टाइम लगेगा जाने में? अभी यहाँ से आपको लगेगा 1-1.5 घंटा और लगेगा। यस आगा, चलो फिर हमको आगे आगे बताते रहना। ठीक है ठीक है, लेट्स गो। हम आगे के आगे दिखाते रहेंगे। ठंड में बोला भी नहीं जा रहा भैया हमसे, आई एम सॉरी। यो, जो पूरा रास्ता जाम है, हम इधर रुक गए हैं। पावी हो रही है भाई। सो ठंड कैसा है? ठंड कैसा है? ठीक ठाक ही है, मतलब ऐसे कोलकाता में आता ही है।
कुछ नया बात नहीं है, ऐसा कोलकाता में आता ही है ना, नॉर्मल है, ग्लास नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और सभी फोटो शूट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, थोड़ा अच्छा लग रहा है धूप में रुक के। अभी गाड़ी में थे तो बहुत ठंड लग रहा था, अब यहाँ धूप में बढ़िया लग रहा है। स्नो मैं नहीं पकड़ रहा है अभी क्योंकि बहुत ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैं स्नो नहीं पकड़ने वाला, मेरे हाथ पूरा सुन पड़ जाएगा। ठीक हाथ हाथ मुझे ये जगह का नाम पता नहीं, लेकिन आए हैं, घूम रहे हैं, अच्छी जगह है, ठीक है, खाना बनाने का भी जगह है, थोड़ा बहुत आके घूम सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम रुक सकते हो, बस जगह का नाम मुझे पता नहीं, आई एम सॉरी। चलो यहाँ पीछे जो है मिलिट्री कैंप है, और यहाँ कुछ काम वगैरह चलता है, यहाँ मतलब देखने का बहुत अच्छा चीज़ें है, आके देख सकते हो, थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। हम यहाँ रुके थे क्योंकि हमारा जो रास्ता था वो ब्लॉक था, इसलिए हम रुके थे, बहुत ज़्यादा टाइम रुक लिए थे। ठीक है, थोड़ा इधर भी मौज कर लिया, अभी हम जाएंगे ऊपर गुरुदम्बा लेक जाएंगे। पहले सोचे थे कि हम लाचिन जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे, हम जाएंगे गुरुदम्बा लेक। चलो अब वहीं जाके मिलते हैं, और जाते जाते थोड़ा बहुत व्यू दिखा देंगे, एंजॉय करो। रुके हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए, देखो डाल दो हाँ, ब्रेड गरम कर लो, चाय वाय पी के फिर निकलेंगे। यहाँ दारू भी मिलेगा, मस्त दारू सब कुछ है, बस थोड़ा महंगा मिलेगा। सभी चाय वाय पी लिया, ब्रेकफास्ट हो गया, अभी जाएंगे काला पत्थर। मैं अकेले घूम रहा हूँ इधर अभी, तो मेरे सारे दोस्त बैठे हैं अंदर, थोड़ा आग सेक रहे हैं। मैं सोचा कि यहाँ थोड़ा टहल लेता हूँ और नज़ारा भी दिखा देता हूँ, बस देखो मेरा जो है अभी फर्स्ट टाइम है ब्लॉग का, तो कितना अच्छा आएगा मुझे पता नहीं, होप करता हूँ अच्छा लगे, तो सपोर्ट करना थोड़ा, ठीक है, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ देखो, सपोर्ट करते रहो, ऐसे एक्सप्लोर करेंगे, बहुत जगह घूमेंगे, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, कुछ कमी रह गया हो तो ब्लॉग में बता देना, मैं भी यहाँ नया हूँ। ये है चोकटा गली, कौन सा गली, चोकटा गली वैली वैली वैली
चोकटा वैली। चोकटा वैली क्या है? चोकटा वैली, समझ रहे हो? उसका ये जो क्या 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 दोबारा बोलो, हमको सुनाई नहीं दिया। अच्छा, ये चोकटा वैली, इसमें अभी देखने से कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ड्राई सीजन होगा यहाँ पे पटेटो का, कैबेज का, हाँ, और ये क्या बोलते मूली, उसका रेडिश, उसका पूरा यहाँ पे खेती होगा। और एक आलू कम से कम 1 किलो को होगा, इतना बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा आलू। हाँ, अभी देखने से। और ये जो अभी ये बाउंड्री करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये लोग का अपना 100-150 याक ला के ऐसा रात को रख देगा 3-4 दिन के लिए, और जो पॉटी करेगा वही पॉटी फर्टिलाइजर वही यूज करेगा ये लोग। वो ये है टोटल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। नाइस, वेरी नाइस। कितना अमेजिंग व्यू है, देखो। इधर बर्फ है, इधर कुछ नहीं है, सूखा है पूरा। यह हमारा एक दोस्त भाई सब कुछ, ठीक है, हमारे साथी थे। बोलो कुछ बोलना है? हाँ, लाइक कर दो मेरे दोस्त का ये चैनल। भाई ने बोला तो करना पड़ेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी जाएंगे हम काला पत्थर। काला पत्थर देखते हैं कैसा होता है काला पत्थर। यो, ये ब्लैक रॉक मतलब काला पत्थर क्या होता है देखो। यहाँ से ऑल टाइम पत्थर गिरता रहता है, तो काला पत्थर। सामने भालू है। भालू है सच में? सच में वो रहा भालू, ज्यादा आगे मत जाना। ठीक है, आगे बोला भालू है, चलो थोड़ा देख के आते हैं भालू। ये नीचे का नजारा है, भयंकर, बहुत ही भयंकर। गिर गया तो ख़त्म लाइफ, यहाँ से नीचे गिरा तो लाइफ ख़त्म। एक औरत ने बोला आगे भालू है, तो हम आ गए, भालू देख रहे हैं। अरे यार, हम कालू देख लिया, कुछ नहीं है इधर, बस ये पत्थर, ये पत्थर है। और ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त बहुत ही टायर्ड है। और कुछ नहीं, इधर देखने को कुछ नहीं है, बस पूरा दिन घूमो, बर्फ देखो, बर्फ खाओ, पत्थर अपने सर पे गिराओ, बस। इतना ठंड है, लिटरली इतना हवा है, हम बाहर खड़े नहीं हो पा रहे। ये ठंडा लागे ना, इनका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, मौज कर रहे हैं। गोटा गोडू, ठीक है। अरे आए ना ये ड्राइवर भैया, हमको बताएंगे कहाँ क्या है, जरा बता दो कहाँ, कौन से जगह पे क्या है, ये कितना ऊंचाई पे है, सब कुछ। गुरुदुमार लेक,
ये है आपका 7 किलोमीटर के सर्कल में है और ये हम लोग का लोकल आदमी भी घूमने के लिए कम से कम 3 घंटा लगता है एक चक्कर मारने के लिए। तो टूरिस्ट को तो ऐसे में भी चक्कर मारने का अलाउ नहीं है। अच्छा फिर भी मतलब टूरिस्ट लोग आता है यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब थोड़ा सा वीक रहता है। टूरिस्ट लोग इधर नीचे जा सकते हैं ना उधर? हाँ, वो जो जाके आ रहा है ना, हाँ, जो इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा उसका वो जाके आएगा, सांस का कोई प्रॉब्लम नहीं है वो जाके आएगा वो। अच्छा मतलब यहाँ ऑक्सीजन का भी बहुत, हाँ, थोड़ा सा दिक्कत रहता है। और इसके पीछे इस पहाड़ के पीछे चाइना, पूरा इसके पीछे चाइना, चाइना का माँ का भरोसा। अभी हम जाते जाते आगे का रास्ता भी दिखाएंगे, आते टाइम दिखा नहीं पाए सही से।